तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे। जब उठे ये बन के सवेरा, जितना ऊंचा जाऊंगा उतना गहरा उतरूंगा। हमने तो रात का सहारा लिया था, ये तो सूरज पोत गया सबके चेहरे पर। हम सभी लोग रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म को 11 अगस्त को रिलीज होना था, लेकिन कई कारणों की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। अभी हमें रणबीर कपूर की इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और मेकर्स का कहना है कि एनिमल फिल्म एक काफी बड़ी फिल्म है और इसको पैन इंडिया रिलीज किया जाना है, इसलिए फिल्म की शूटिंग का अभी थोड़ा काम बाकी है। पर लोगों का मानना है कि 11 अगस्त को ही गदर 2 फिल्म आ रही थी, जिसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई थी, इसलिए मेकर्स ने एनिमल फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब खुद फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म की शूटिंग का कुछ काम और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम बाकी था, इसलिए अभी फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब बहुत ही जल्द हमें एनिमल फिल्म देखने को मिलने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि एनिमल फिल्म काफी बड़ी फिल्म है और फिल्म में लगभग 7 गाने हैं, इसलिए फिल्म में इन्हीं गानों का काम बाकी है जिसे आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जल्द से जल्द फिल्म को रिलीज भी कर दिया जाएगा। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में हमें रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म में हीरोइन की, तो फिल्म में हीरोइन के रोल में का मंदना देखने को मिलने वाली है। और कुल मिलाकर फिल्म की कास्टिंग तो काफी दमदार है। देखना यह होगा कि फिल्म की स्टोरी कैसे होगी। अभी एक महीने पहले फिल्म का टीजर आया था, जिसको देखने के बाद तो लग रहा है कि फिल्म में खून खराबा ही होने वाला है। और उससे पहले रणबीर कपूर का एक लुक भी सामने आया जिसमें वो काफी खतरनाक दिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि फिल्म में खून ही खून होगा। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। संदीप रेड्डी वांगा को इनकी खतरनाक फिल्मों के लिए जाना जाता है और एक बार फिर रणबीर कपूर के साथ वो काफी बड़ी और काफी दमदार फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करके अब फिल्म की रिलीज डेट 1 दिसंबर 2023 फाइनल की है, यानी कि अभी लगभग 4 महीने का इंतजार। और इसके बाद रणबीर कपूर की ये खतरनाक फिल्म हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। और जिस तरह से लोगों में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है, उसको देखकर तो लग रहा है कि फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है और हो सकता है कि फिल्म इसी साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाए। खैर अभी तो आने वाला समय बताएगा कि रणबीर कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। वहीं बात करें फिल्म के बजट की, तो सुनने को मिलता है कि एनिमल फिल्म का बजट 100 करोड़ का है। अब खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि संदीप रेड्डी वांगा इस बजट के साथ क्या करने वाले हैं या क्या किया है उन्होंने। बाकी दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।